हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटेक एजुकेशन पर। मैं मोहन नेक्स्ट पार्ट के साथ आया हूँ और इसमें हम बात करने वाले हैं ल्यूब्रिकेंट पार्ट 2 का। तो हमने ल्यूब्रिकेंट्स के बारे में पहले वाली वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी देख ली थी। अब हम बात करेंगे कि ल्यूब्रिकेशन या ल्यूब्रिकेंट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले देख ले, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बेहतरीन कंसेप्ट पर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ ल्यूब्रिकेशन की। तो इसको हमने तीन कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। पहला थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन, दूसरा थिन फिल्म ल्यूब्रिकेशन एंड तीसरा जो है एक्सट्रीम प्रेशर ल्यूब्रिकेशन। ठीक है, थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन को हम फ्लूइड फिल्म में भी बोलते हैं और इसको हाइड्रोडायनेमिक ल्यूब्रिकेशन भी हम बोल सकते हैं। किसको? थिक फिल्म को। वहीं अगर हम बात करें थिन फिल्म की तो थिन फिल्म को हम बाउंड्री ल्यूब्रिकेशन भी बोलते हैं। क्या? थिन फिल्म को बाउंड्री ल्यूब्रिकेशन भी बोलते हैं। और लास्ट जो हमारा है एक्सट्रीम प्रेशर ल्यूब्रिकेशन। अब हम सबके बारे में वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो पहले जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन। तो थिक का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, थिक मतलब बहुत मोटा, मतलब मोटी फिल्म ल्यूब्रिकेशन के है ये। थिक फिल्म से इसके नाम में ही आप समझ गए होंगे, थिक मतलब थोड़ा वाइड एरिया ये कवर करेगा। तो इस प्रकार के ल्यूब्रिकेशन को हम हाइड्रोडायनेमिक और फ्लूइड फिल्म ल्यूब्रिकेशन भी बोलते हैं। पहला जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन का, कि इसको हम हाइड्रोडायनेमिक या फिर फ्लूइड फिल्म ल्यूब्रिकेशन भी कहते हैं। किसको? थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन को बोल सकते हैं। टू स्लाइडिंग मेटल सरफेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय थिक फिल्म ऑफ 1000 एंगस्ट्रॉम। अब जब दो सरफेस है हमारे, ठीक है, कोई भी दो स्लाइडिंग सरफेस है, उनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, दो, जैसे कि एक सरफेस ये मेरा ये है, दूसरा सरफेस मेरा ये है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी मेरी 1000 एंगस्ट्रॉम के बराबर रहेगी। ठीक है, तो दो स्लाइडिंग सरफेस के बीच के डिस्टेंस हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इन सच केसेस। ऐसे वाले थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन के केस में जो हमारे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा, जो म्यू की वैल्यू जो रहती है, वो हमारी 0.001 टू 0.03 तक रहती है। मतलब कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है बाकी के कंपैरिजन में। ठीक है, और जो ल्यूब्रिकेंट हम इसमें यूज़ करते हैं उसका नाम होता है हाइड्रोकार्बन ऑयल्स को हम यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन में, क्या थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन में कौन सा ल्यूब्रिकेंट यूज़ होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए हाइड्रोकार्बन ऑयल्स। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं नीचे वाले पॉइंट्स की, ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एप्लीकेशन में पूछ लिया जाता है कि बताइए थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन के एप्लीकेशन क्या है। तो ये क्या करता है, हमारा प्रोवाइडेड इन डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट सच एज, कुछ बहुत ही महंगे महंगे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि वॉचेस हो गई, क्लॉक्स होगी, लाइट मशीन लाइक स्विंग मशीन, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, तो ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन है वो हम वॉच में यूज़ करते हैं, क्लॉक में यूज़ करते हैं, लाइट मशीन्स में यूज़ करते हैं, और ठीक है, जैसे स्विंग मशीन हमारी हो गई, और कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें भी हम थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो थिक का मतलब समझ गए होंगे आप। थिक ल्यूब्रिकेशन कहीं भी आता है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि उस जो दो स्लाइडिंग सरफेस होंगे उनके बीच की दूरी मिनिमम कितनी होगी, 1000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक है, उतनी थिक होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा एक एक सरफेस है, ठीक है, ये दूसरा सरफेस है, तो ये सरफेस और ये सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, दोनों के बीच में जो फ्लूइड लेयर है जो मैं दूसरे कलर से शो करता हूँ ये वाला, इसकी जो मोटाई रहेगी ना वो हमारी 1000 के बराबर रहेगी, ध्यान देना, क्लियर है? तो ऐसे अगर यहाँ पर हम ये ल्यूब्रिकेंट फिल कर रहे हैं तो इस ल्यूब्रिकेंट की थिकनेस हमारी इतनी आई है, और ये ल्यूब्रिकेंट जो रहेगा हमारा थिक फिल्म ल्यूब्रिकेंट्स होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन। क्लियर है?
मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको नहीं होगा। तो आज के इस लेसन में इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे थिन फिल्म ल्यूब्रिकेशन की, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट लेसन देखना ना भूलें, उसमें हम बात करने वाले हैं थिन फिल्म ल्यूब्रिकेशन की। एंड थैंक यू।